तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज कहानियां सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, और वो जरूरी बात यह है कि कई बार जब मैं कहानियां सुनाता हूँ तो अक्सर लोगों के कमेंट आते हैं कि ये कहानी तो किसी दूसरे चैनल की है। दोस्तों मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज ऐसा ना करें। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद अब आगे से ऐसा नहीं होगा। बाकी दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। महेश के साथ, महेश के साथ, महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम लोकेश बेनीवाल है। मैं हरियाणा के सिरसा जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूं और आपकी कहानियां हर वक्त सुनता रहता हूं। तो ठीक, मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात तब की है जब मेरी उम्र 14 साल की थी। मैं हर रविवार को अपने चाचा जी के घर जाता था और शाम को अपने घर टाइम से वापस भी आ जाता था। दोस्तों मेरे चाचा जी का घर मेरे घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर था और ठीक उनके घर के आसपास गिने चुने ही घर थे। वहां मैं और मेरे चाचा जी का लड़का खूब मजे करते थे। इसी तरह एक रविवार को मैं अपने चाचा जी के घर पर था। मैंने और मेरे भाई ने दिन में वहां बहुत मजे किए, लेकिन शाम होते ही चाचा जी के लड़के को किसी बहुत जरूरी काम से पास के गांव में जाना पड़ा। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। मैं अपने चाचा जी को बोलकर पैदल ही पैदल अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैंने अपना आधा रास्ता पार कर लिया था, तब तक अंधेरा भी पूरा हो चुका था। रास्ते के दोनों तरफ खेत थे जिनमें नरमे की फसल थी। वो पौधे काफी बड़े थे। उसी वक्त अचानक मुझे खेत में से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया। आवाज खेतों के अंदर से आ रही थी। मैंने थोड़ा अंदर जाकर देखा, यकीन मानिए मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि वहां पर एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र करीब 5 साल होगी, वो वहां बैठकर रो रहा था और तो और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने घर की ओर भागने लगा। मैं पूरा पसीने से भीग चुका था। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में बस वही चलता रहा। मैंने घर पहुंचकर तुरंत ये बात सबको बताई। तब जाकर दादाजी ने बताया कि अक्सर पहले यदि किसी बच्चे की मौत हो जाती थी तो उसे जमीन में दफना देते थे, और अगर रात को कोई वहां से गुजरता हो तो वो उसके पीछे पड़ जाते थे। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं हर मंगलवार को उनका व्रत करता हूं। मेरा मानना है शायद इसी वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर दोस्तों बस यही थी मेरी छोटी सी कहानी। मैं गुजारिश करूंगा अगर मेरी ये कहानी इनके चैनल पर आती है तो मेरे पास और भी कहानियां हैं जो कि मैं महेश सर को भेजता रहूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी लोकेश बेनीवाल की कहानी जो कि इनके चाचा जी और इनके घर के बीच में घटी थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लोकेश के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें क्या जरा भी सत्य है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम आर्यन है। मैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूं। वैसे आपको बता दूं कि मैं गांव में रहता था, लेकिन मेरी पढ़ाई के चलते मैं अब ऋषिकेश में रहता हूं। पर जो घटना का जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूं वो घटना गांव में मेरे दादाजी के साथ घटी थी जब वो करीब 19 या 20 साल के थे। एक बार की बात थी, दादाजी अपने दो दोस्तों के साथ रात के समय सड़क पर घूम रहे थे। सड़क के नजदीक ही नीचे की तरफ एक नदी भी बहती थी जहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हुआ करते थे। घूमते घूमते मेरे दादाजी की नजर एक बड़े से पेड़ पर पड़ी जिसके ऊपर एक बड़े बाल वाला आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल उसके मुंह को ढक रहे थे। उस आदमी ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसे देखकर मेरे दादाजी ने सोचा कि इतनी रात को कोई इंसान ना तो नहाने आएगा और ना ही इस तरीके से बैठेगा, ये जरूर कुछ और ही है। पर दोस्तों उस वक्त दादाजी ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन तब तक उनके दूसरे दोस्त ने भी उसे देख लिया था। उसने तुरंत सबको बताया तो तीनों के तीनों बिना समय गवाए वहां से भाग गए।
अब दोस्तों वो सच में कोई आदमी था या कोई छलावा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि एक घटना मेरे जीजाजी के साथ भी घटी थी जो कि देहरादून में रहते हैं। एक रात की बात है, वो अपने डॉगी को खाना देने घर के बाहर निकले। डॉगी छत पे जाने वाली सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ था। उस वक्त मेरे जीजाजी ने उसे खाना दिया। खाना देने के बाद उन्होंने गेट के बाहर देखा कि दो आंखें हवा में उड़ती हुई कहीं जा रही थी। सच में वो सिर्फ आंखें थी, बाकी शरीर तो था ही नहीं। वो सीधा अंदर की ओर भागे और बेड पर लेट गए। उनकी ये हड़बड़ी देख दादी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप सो गए। खैर रात तो थी, रात में उनको ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई बुला रहा हो। वो उस वक्त बेड से उतरकर बाहर जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो हॉल तक पहुंचे कि अचानक उन्हें होश आ गया, जिसके बाद वो चुपचाप वापस सो गए। वो रात तो गुजर गई, लेकिन अगले दिन ये बात जब उन्होंने सभी को बताई तो उनके पिताजी ने जल्द ही एक पंडित को बुलाकर घर में एक पूजा करवाई। दोस्तों यकीन मानिएगा, तब से लेकर अब तक जीजा जी के साथ अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी मेरे पास ऐसे कई किस्से हैं जो मैं आपको महेश सर के द्वारा जल्द ही बताता रहूंगा, पर आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी आर्यन की कहानी। जैसा कि आर्यन ने बताया कि इनके दादाजी को एक बड़े बाल वाला आदमी दिखा था, उसी तरह इनके जीजा जी को दो आंखें हवा में उड़ती दिखाई थी। दोस्तों क्या आप में से किसी के साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी आपको ले चलता हूं हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम सुजीत है, मैं मुंबई के थाने डिस्ट्रिक्ट मीरा रोड में रहता हूं। दोस्तों ये घटना मेरे और मेरे ट्यूशन के कुछ दोस्तों के साथ हुआ था, यही कोई पिछले साल जब मेरे 12th के बोर्ड के एग्जाम थे। हमारे एग्जाम मार्च के महीने में थे, तो हमारी ट्यूशन टीचर और हमने नवंबर के महीने में कोई कैंप पर जाने के लिए डिसाइड किया था। हम उस वक्त तकरीबन 13 या 14 लोग थे। वैसे अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप सबको लोनावला मालूम होगा, यहाँ ज़्यादातर लोग कैंप या ट्रिप पर जाया करते हैं। तो हम लोग ठीक 17 नवंबर को यहाँ मीरा रोड से लोनावला के लिए निकले और दोपहर के 12 बजे स्टेशन पर पहुँच गए। वो जगह पूरी एक गांव जैसी थी, जगह जगह पर कुछ खाली तो कुछ जगहों पर लोग थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग यहाँ पर इंजॉय करने और मूड फ्रेश करने आते हैं। खैर वहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी तो हमें अपना विला मैप में डालकर ढूंढना पड़ा। 30-40 मिनट चलने के बाद हम अपने विला पहुँच गए। वो जगह 3 मंजिल की थी। हम सबने सारे रूम्स सब कुछ चेक कर लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। हमने पूरी दोपहर इंजॉय किया और शाम होते ही हमें फोटोशूट के लिए जाना था, क्योंकि अक्सर सिटी साइड में ऐसी खाली जगह नहीं मिलती है। मैं आपको बता दूं कि मैं भगवान को भी मानता हूं और भूतों को भी। मुझे अक्सर ऐसी चीज़ें जो लोग करने से डरते हैं वही करना बहुत पसंद है, और वैसे भी मैं ऐसी बहुत चीज़ें कर चुका हूं। मैंने हर बार बस भगवान की उपस्थिति ही महसूस की है। मेरा मानना है कि उन्होंने मुझे बहुत बार बचाया है। मैं ज़्यादातर हनुमान जी को मानता हूँ, इसीलिए मैं विला में आते टाइम हर चीज़ अच्छे से देख रहा था। मैंने घूमते घूमते पाया कि हमारे विला के आगे 6 घर थे, 3 सीधे हाथ की तरफ और 3 बाएं। मैंने सबसे कहा कि चलो वहाँ चलते हैं। सच कहूँ तो उन घरों की बनावट काफ़ी अच्छी थी। उस वक्त मैं अपने दोस्तों से आगे चल रहा था और सब मेरे पीछे। दोस्तों जब मैं उन घरों के आगे आया तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, क्योंकि सारे घर बंद थे। ऐसा लग रहा था कि कोई सालों से वहाँ रहने ही नहीं आया हो। वैसे सारे घर काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन सब के सब खाली थे। खैर उस वक्त मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं चुपचाप अपना फ़ोटो शूट करने लगा। वैसे आपको बता दूँ कि मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, हालांकि वैसे मैं अपनी बॉडी और अपने दिल दिमाग से बहुत मजबूत हूँ। खैर मैं वहाँ थोड़ा चलते चलते कुछ आगे आने वाले घरों के पास चला गया, तब भी मेरे बाकी दोस्त मेरे पीछे थे। थोड़ी देर में मेरी नज़र 3-4 डॉग के बच्चों पर गई, मुझे डॉग्स पसंद हैं, तो मैं तुरंत भागकर उनके पीछे पीछे चला गया।
मैंने जैसे ही एक डॉग को अपने हाथों में उठाया और खड़ा हुआ कि तभी मेरी नजर सामने की ओर गई। मैंने देखा कि एक औरत जिसका मुंह बहुत डरावना, आंखें ऊपर की ओर, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे गुस्से में बोल रही हो कि तुम सब यहां से चले जाओ। शायद उसे हमारा यहां आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं थोड़ा डर के मारे वहां से थोड़ा मुड़ा ही था, तभी एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो एक लड़का था जो कि मुझे देखकर बोल पड़ा, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? मैंने उसे बताया कि हम घूमने आए हैं। उस लड़के ने मुझसे कहा कि अभी तुम अपने दोस्तों को लेकर यहां से चले जाओ। दोस्तों, उसकी ये बात सुनकर मुझे अजीब लगा, लेकिन उस वक्त मैं तुरंत अपने दोस्तों के पास गया और सबको कैसे भी बोलकर विला में वापस ले जाने लगा। सब बार बार बोल रहे थे कि हुआ क्या है, लेकिन दोस्तों मैंने उस जगह पर उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जब हम विला में पहुंचे तो मैंने सारी बातें उन सबको बताई। सबके सब काफी डर गए थे, पर दोस्तों असली डर तब लगता है जब इंसान ये सारी चीजें खुद अपनी आंखों से देखता है। खैर, बाद में उन लोगों ने ये सब बुला दिया और रात में छत पे जाकर स्पीकर में गाने बजाने लगे। सबके सब मौज मस्ती करने लगे, नाचने लगे, सबने बहुत इंजॉय किया। वही मेरा एक दोस्त था ओमकार, वो हमारे साथ डांस नहीं कर रहा था, तो ठीक हमने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग नीचे चले गए, बस मेरा दोस्त ओमकार और दीप ऊपर बैठे थे। जगह पूरी शांत थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम सब नीचे बैठकर डिनर कर रहे थे कि तभी अचानक दीप जो कि ओमकार के साथ बैठा था, वो तुरंत भागकर नीचे आया और हम सबको बताने लगा कि ओमकार अकेले सॉन्ग बजाकर लगातार नाचे जा रहा है। दीप की बात सुनकर हमें थोड़ा अजीब लगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। वो बात यह है कि जब हम उन छह घरों के पास घूम रहे थे, तब ओमकार फोटोशूट के लिए कपड़े चेंज करने उन्हीं किसी एक घर में गया था। पर हाँ, उस वक्त हमने उतना ध्यान नहीं दिया। पर खैर, हम सब अपना डिनर कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद ओमकार नीचे आया और बिना कुछ खाए चुपचाप सो गया। हम सब ने उसको उठाने की बहुत कोशिश की कि चल कुछ खा ले, लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर हाथ रखा तो उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। उसका शरीर एकदम गर्म था। उसे देखकर पता चल रहा था कि शायद उसे बुखार हो चुका था। उस वक्त हम सब डर गए कि अभी अभी यह डांस कर रहा था, इसको अचानक क्या हो गया। थोड़ी देर बाद हमें वो छह घर वाली स्टोरी हम सबके दिमाग में आई। यही सोचकर सबसे पहले हमने अपने पूरे विले के विंडो डोर सब बंद कर दिए, लेकिन हमने बस ग्राउंड फ्लोर के करे थे, बाकी ऊपर के सारे विंडो और डोर ओपन थे। साथ ही वो छह घर हमारे विला के थोड़ी ही दूरी पर थे। हम में से कोई भी ऊपर जाकर सारे दरवाजे बंद करने की हिम्मत नहीं रख रहा था, पर मैंने हिम्मत जुटाई और अकेले ऊपर चला गया। मैंने जल्दी जल्दी से सारे दरवाजे बंद किए और मैं नीचे आ गया। इसके बाद हम सबके सब एक ही रूम में जाकर बैठ गए। यकीन मानिए, हम सब बहुत डर गए थे। साथ ही मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि जब मैं तीसरे माले पर दरवाजा बंद करने गया था तो ठीक मैंने एक औरत और एक बच्चे को अपनी तरफ देखते हुए देखा था। दोस्तों, मैंने ये बात इसीलिए किसी को नहीं बताई क्योंकि उस वक्त हमारे ग्रुप में लड़कियां भी थी जो कि सबकी सब पहले से ही डरी हुई थी। हम सब ने थोड़ी देर बाद हनुमान चालीसा के सॉन्ग बजाए। थोड़ी ही देर बाद हम सब ने देखा कि ओमकार अपने आप उठ खड़ा हुआ और वो एकदम बिल्कुल ठीक हो गया था। उस वक्त स्पीकर की आवाज काफी तेज थी। ओमकार को ठीक देख हमें काफी अच्छा लगा। बाद में हम फिर से एंजॉय करने लगे। हम सब थक हार कर चुपचाप सो गए, लेकिन सुबह होते ही हमने वो विला छोड़ दिया और चुपचाप अपने घर के लिए निकल पड़े। दोस्तों, मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि सभी भगवान पर भरोसा रखो, और हाँ, ऐसी जगह जो सालों से बंद हो वहां बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि वहां क्या है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सुजीत की कहानी। दोस्तों, इनका अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना और उसके बाद इनके साथ जो कुछ भी हुआ, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
क्योंकि अब मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम ऋषिका है और हम फिरोजाबाद के हैं। एक बार की बात है, मेरे नाना जी बहुत बीमार रहते थे। उस समय सर्दियों का समय था। एक दिन की बात है, नानी जी उनके कमरे में पानी और दीपक रख गई, जिसके बाद अचानक ही लाइट चली गई। तो ठीक, उन्होंने जब कमरे में आकर देखा तो नाना जी सोए थे, लेकिन दीपक बुझ गया था। नानी ने तुरंत दीपक जला दिया और नानी बाहर आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक दीपक फिर से बुझ गया। उसी बीच चलती हवा के साथ उनके पास एक आदमी आया, जिसके ऊपर जिसके पैर उल्टे थे। नाना जी अचानक उसे देखकर डर गए। उस वक्त उनके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। वो आदमी नाना जी की तरफ बढ़ा। वो ठीक उनकी तरफ बढ़ता हुआ नाना को लेकर चला गया। वो उन्हें एक सुनार की शॉप पर ले गया। वो नाना से पूछने लगा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, चाहे जो कुछ भी पसंद हो। नाना जी समझदार थे, उन्होंने एकदम से मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो कुछ भी लेते हैं तो बदले में वो उनसे अपनी सेवा करवाएगा। पर खैर, इसके बाद वो उन्हें हलवाई की शॉप पर ले गया। नाना जी ने फिर से उसे मना कर दिया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मुझे घर छोड़कर आओ, तुम्हें रब का वास्ता। ये सब सुनकर वो उन्हें वापस घर उसी रूम में लेकर आ गया, जिसके बाद दीपक अपने आप जल गया। थोड़ी देर में जब नानी उनके कमरे में आई तो नाना जी ने उन्हें सब कुछ बताया। दोस्तों, यकीन मानिएगा, इसके बाद वो उन्हें रोज परेशान करता और कुछ दिन बाद तो वो उन्हें अपने साथ ले गया, यानी कि हमारे नाना की डेथ हो गई। साथियों, इसी के साथ मेरी एक खुद की कहानी भी है। कहानी छोटी है पर बहुत डरावनी है। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन गणेश चतुर्थी थी और पास में भंडारा हो रहा था। मैं भी ठीक वहां चली गई। मैंने कुछ पूड़ियां खाई, पूरा दिन अच्छे से निकल गया। लेकिन दोस्तों, जब मैं घर आकर रात में सो गई तो मुझे अचानक से वॉशरूम जाना था। मैं ठीक वॉशरूम गई, मैंने बाहर की ओर देखा, मुझे वहां ठीक एक काली परछाई दिखी, जो कि मुझे ही देख रही थी और लगातार हंस रही थी। मैं उसे देखकर डर गई। मैं भागकर वापस कमरे में आ गई। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पिताजी मुझे ऐसा देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने तुरंत उन्हें सब कुछ बताया। फिर पिताजी ने कहा कि हाँ, वो आवाज डरावनी थी, वो मुझे भी आई थी जब मैं सो रहा था, पर कोई बात नहीं, मैं कल ही इसे ठीक करवाता हूँ। साथियों, मैं आगरा से हूँ, नियर ताजमहल। मैं और मेरी फ्रेंड कुमुद, गुनगुन और ईशिका सब आपके फैन हैं और आपकी सारी वीडियो सुनते हैं। आई होप आप मेरी ये कहानी अपने चैनल पर जरूर डालेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे जब भी बनाएंगे तो एक बार आप मुझे जरूर बता देंगे। धन्यवाद। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी ऋषिका की कहानी। इन्होंने अपनी कहानी में एक तो नाना जी की कहानी सुनाई, जो कि बेहद ही दुखदायी थी। भगवान हमेशा उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी दोस्तों, इनकी दूसरी कहानी इनकी खुद की आप बीती थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप इनकी कहानियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं इनका और हमारे सभी सब्सक्राइबरों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये अपनी और कहानियाँ मुझसे शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की पांचवी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम टिंकू पंडित है। बात एक साल पुरानी है, जब मैं और मेरे 10 दोस्त रात को घूमने के लिए मयोंग निकल गए। उस वक्त मेरी माँ ने मुझे मयोंग जाने से बार बार मना किया, पर मैं नहीं माना। मैं चुपचाप अपने दोस्तों के साथ मयोंग के लिए निकल गया। दोस्तों, मयोंग पहुँचने के लिए एक शॉर्टकट था, पर अक्सर लोग कहते थे कि वहाँ रात को जाना मतलब सीधा मौत के मुँह में जाना है। पर दोस्तों, हम जल्दी पहुँचने के चक्कर में उस कट से निकल गए। रास्ता वाकई सुनसान था, एकदम सन्नाटा। हमने रास्ते में देखा कि एक घर के फ्लोर में एक बच्ची झूला झूल रही थी। वो हमको देखकर जोरों से हंस रही थी। हम सब उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। हमने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारी कार की स्पीड और वो लड़की एक साथ चल रहे थे।
पर बहुत मेहनत के बाद हम मयंक के घर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने अपने चाचा जी से ये बात बताई। चाचा जी ने हमारी बात सुनी और कहा कि वो रास्ता करीब 6 महीने से बंद है। उन्होंने बस इतना ही कहा कि आज तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम सब के सब बच गए, क्योंकि अक्सर उन रास्तों में कई किस्से सुनने को मिलते हैं, बस इसी कारण वो रास्ता बंद किया हुआ है। दोस्तों, चाचा की बात से हमें इतना डर नहीं लगा जितना कि हमें उस वक्त लगा जब हमने सामने अपने ये वाक्या देखा। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नाज अर्फी है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहती हूँ जो कि आज से लगभग 5 साल पहले घटी थी। ये कहानी मेरे भाई की कहानी है। एक बार की बात है, मेरे बड़े भाई ने अपने बेटे को डांट लगाई, जिसके बाद वो बिना बताए अपनी नानी के घर चला गया था। इसके बाद घर में सब परेशान हो गए कि पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा बड़ा भाई अपने बेटे को ढूंढने के लिए रात के तकरीबन 11 बजे तुरंत घर से निकल पड़े। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, साथ ही मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। मेरे भाई उस वक्त शॉर्टकट रास्ते से निकले। रास्ते में चलते चलते एक बड़ा सा मैदान भी आया, लेकिन वो लगातार आगे की ओर चलते चले गए। दोस्तों, जाते टाइम तो कुछ नहीं हुआ, वो ठीक नानी के घर में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि उनका बेटा वहीं है। उसे देखकर वो उसे वहीं छोड़कर वापस घर की ओर आने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्होंने देखा कि वहीं पास में एक कुआं था। कुएं की थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने एक 12 साल के लड़के को अपना मुंह छुपाते हुए बैठते हुए देखा। उसने सिर्फ बनियान और एक पैंट पहनी हुई थी। उस वक्त मेरे भाई के हाथ में टॉर्च था, तो उन्होंने तुरंत टॉर्च उस लड़के की तरफ किया। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उस लड़के ने जैसे ही भैया की तरफ देखा तो यकीनन मेरा भाई समझ गया कि ये कोई भूत है, क्योंकि 2 महीने पहले ही हमारे ही मोहल्ले का एक लड़का उस कुएं में डूबकर मर चुका था। हो ना हो, ये वही लड़का था। भैया उसे देखकर तुरंत आगे की ओर चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उन्हें पीछे से आवाज़ देने लगा, बड़ी ही अजीब आवाज़ में आवाज़ मारने लगा। सच कहूँ तो वो रात बहुत खतरनाक लग रही थी। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। मुझे नहीं मालूम आपको ये कहानी सच लगेगी या झूठ, लेकिन यकीन मानिए ये किस्सा बिल्कुल सच्चा है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी नाज अर्फी के भाई की कहानी। दोस्तों, आपको इनकी कहानी और हमारी आज की सभी कहानियां कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतजार करता रहता हूं। तो दोस्तों, जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।